दो सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। मांगे नहीं मानने पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के तत्वावधान में 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। अरे दो ही मांगे हैं, एक संविदा का नियमितीकरण और आउटसोर्स का संविलियन। ये हमारी मांगे वर्षों से लंबित है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कई बार हमें आश्वासन दिया गया है कि आपका संविलियन किया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए हमने 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का पूरे प्रदेश में आह्वान किया है और करने वाले हैं। इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई करेंगे? जिसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं बाह्य स्रोत कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी का जिला संयोजक योगेश कुमार बावने। विद्युत कर्मचारी हैं हम, हमारी दो सिर्फ मुख्य मांगे हैं, एक तो आउटसोर्स का संविलियन और संविदा का नियमितीकरण, जो कि कई वर्षों से हम शासन प्रशासन को हम ज्ञापन भी देते आ रहे हैं, निवेदन भी करते हैं, इसके कारण कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमारी जायज मांग है और इस पे प्रशासन ने नहीं माना तो हम 6 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद काम बंद हड़ताल कर देंगे। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम पूरे प्रदेश में 45,000 हैं और हमारे खरगोन जिले में है 1300 कर्मचारी हैं और संविदा वाले हैं 90 कर्मचारी जो पूरे काम बंद। क्या है मुख्या? मुख्या हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं, एक तो आउटसोर्स का संविलियन है और संविदा का नियमितीकरण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल प्रजापत, बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ मैं खरगोन से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।